गर्मी के मौसम में कॉमन है ये बीमारियां, जाने लक्षण और बचाव। वैसे तो हर मौसम में कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारियां किसी को भी हो जाती हैं, लेकिन गर्मी का मौसम अपने साथ कई खतरनाक बीमारियां लेकर आता है। इस मौसम में जरा सी लापरवाही भी सेहत पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में यहाँ हम आपको बताते हैं कि गर्मियों में आप किस सीजनल बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं और उनके कैसे बचाव कर सकते हैं। लू लगना यानी कि हीट स्ट्रोक, इसे मेडिकल टर्म में हाइपरथर्मिया कहा जाता है। गर्मी के मौसम में होने वाली सबसे कॉमन बीमारियों में से एक है ये। अगर आप लंबे समय तक तेज धूप में रहते हैं तो आप लू की चपेट में आ सकते हैं। हीट स्ट्रोक होने पर सिर में तेज दर्द, तेज बुखार, उल्टी, तेज सांस लेना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस हो सकती है, यहाँ तक कि बेहोश भी हो सकते हैं। इसके साथ ही यूरिन कम होना जैसे लक्षण आते हैं। लू से बचने के लिए कभी भी खाली पेट बाहर ना निकले, हाइड्रेट रहें और जहां तक हो सके खुद को ढककर धूप में जाएं। दोपहर 11 बजे से 4 बजे तक कोशिश करें कि आप इंडोर ही रहें। फूड पॉइजनिंग भी गर्मियों में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये दूषित भोजन या दूषित पानी के सेवन से होती है। इस मौसम में बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से ग्रोथ करते हैं। ऐसे में शरीर के अंदर अगर किसी तरह का बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन आदि चला जाए तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसके लक्षण की बात करें तो इसमें पेट दर्द, जी मिचलाना, दस्त, बुखार और शरीर में दर्द आदि होते हैं। इसमें ना सिर्फ पेट मरोड़ के साथ दर्द करता है बल्कि डायरिया, उल्टी जैसी समस्याएं भी नजर आने लगती हैं। इसलिए इस मौसम में रोड किनारे का खाना, रॉ मीट, खुले में बिक रहा खाना, ठंडा खाना, बासी खाना आदि से बचना जरूरी है। टाइफाइड एक वाटर बॉर्न डिजीज है जो दूषित पानी या जूस आदि पीने से होता है। आमतौर पर जब संक्रमित बैक्टीरिया पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाता है तब टाइफाइड के लक्षण दिखने लगते हैं। टाइफाइड में तेज बुखार, भूख न लगना, पेट में तेज दर्द, कमजोरी महसूस होना जैसे लक्षण नजर आते हैं। टाइफाइड से बचाव के लिए बच्चों को टाइफाइड वैक्सीन भी लगाया जाता है जिसे एडल्ट भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा उपचार के लिए दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। मीजल्स गर्मी में होने वाला एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे रूबेला या मॉर्बिली के नाम से भी जाना जाता है। इसके फैलने का तरीका करीब करीब चिकन पॉक्स की तरह होता है। ये पैरामाइक्सो वायरस से फैलता है जो गर्मी में सक्रिय होता है। लक्षण की बात करें तो कफ, हाई फीवर, गले में दर्द, आंखों में जलन आदि इसमें होते हैं। इसमें पूरे शरीर पर सफेद जैसे दाने हो जाते हैं। इससे बचाव का एकमात्र उपाय MMR वैक्सीनेशन है। चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स वायरस से होने वाली बीमारी है। इस बीमारी में पूरे शरीर की स्किन पर बड़े छोटे पस वाले दाने हो जाते हैं जो ठीक होने के बाद भी अपने दाग छोड़ देते हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उन्हें आसानी से ये बीमारी अपने चंगुल में ले सकती है। यह मरीज के छींकने या खांसने से भी फैलता है। इससे बचाव के लिए नवजात शिशुओं को MMR का टीका लगाया जाता है जो बड़े भी लगवाते हैं। चिकन पॉक्स से बचने के लिए हाइजीन का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है।